विदेशी व्यापारी। हर सुबह की तरह बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था और तभी एक अनजान शख्स दौड़ता हुआ अंदर चला आया। तुम्हारी तारीफ। हुजूर, मेरा नाम जानी ईरानी है और मैं ईरान से यह व्यापार करने आया हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपके देश आके मेरा साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। क्या? हमें सारी बात विस्तार से बताओ। जी हुजूर, वो दरअसल, ईरानी व्यापारी ने बताया, जब वो अपना भारी सामान ले सरहद पार पहुंचा, तब लाला लालची नाम का एक व्यापारी उसे मिला, जिसके पास कुछ खाली गधे थे। अरे अरे अरे, इतना भारी सामान इतने कड़ी धूप में तुम कैसे ला कर जाओगा? या काम करो, मेरे गधे पर अपना कुछ सामान रख दो। आपका बड़ा शुक्राना। ईरानी ने अपना सामान गधों पर डाला और राज्य की ओर बढ़ पड़े। कुछ देर बाद जब वो आगरा राज्य पहुँचे, तो ईरानी ने लाला का दोबारा शुक्रिया अदा किया और अपना सामान लौटाने को कहा, परंतु लाला तो एकदम से पलट गया। अरे वाह, कौन सा सामान? यह सामान तो मेरा है। एक तो मैंने तुम्हारी रास्ता दिखाने में मदद की और तुम मेरे सामान पर ही नजर लगाए बैठे हो। लाला की आवाज सुन वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि लाला जाना माना इंसान था। तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या हुआ लाला, सब ठीक? अब क्या बताओ, पता नहीं यह कौन व्यक्ति है जो मुझसे मेरा सामान छीनना चाहता है। बड़बक, अनजान देश में घुस्सेल भीड़ को देख ईरानी व्यापारी ने मुद्दे को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा और वो वहाँ से दौड़कर भाग निकला। तो इस तरह से मेरे 3000 सोने की मोहर का सामान लूट लिया गया। अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाओ। ये बात सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि मेरे देश के मान सम्मान की भी है। सिपाहियों, अभी के अभी लाला को ले आओ। फिर क्या, लाला को तुरंत दरबार में पेश किया, जिसे देख अकबर गुस्से में बोले, लाला, क्या ये ईरानी व्यापारी सही कह रहा है? तुमने इन्हें बेवकूफ बनाकर इनका सामान हड़प लिया। क्या, भला मैं ऐसा क्यों करूं? उल्टा ये मेरा सामान छीनना चाहता था। वो तो भला हो हमारे राज्य के भली भीड़ का, जिन्होंने इसे घेर लिया और यह व्यक्ति वहाँ से भाग निकला। अब आप ही बताओ, अगर यह सही होता तो वहाँ से भागता क्यों भला? लाला की बात में तो दम है। इसकी बात का यकीन मत कीजिए हुजूर, ये झूठ बोल रही है। फिर क्या, दोनों में तूतू मैमे शुरू हो गई और बादशाह गुस्सा हो बोले, खामोश, हमारी जनता पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने के जुर्म में इस ईरानी व्यापारी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। ये सुन तो ईरानी के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई और लाला लालची तो मन ही मन मुस्कुरा उठा, परंतु उसे नहीं पता था कि इसके पीछे बादशाह की सोची समझी योजना थी। फिर क्या, अगले दिन बादशाह ने सारी घटना बीरबल को विस्तार से बताई। तो इसीलिए उसे काल कोठरी में डाल दिया। बाहर रहने से उनकी जान को भीड़ से खतरा हो सकता है। ये तो आपने सही किया, परंतु ये मामला काफी पेचीदा है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सही कहा, पर हम बिना सबूत के किसी बेगुनाह को ये सजा नहीं दे सकते हैं। ऊपर से इस वजह से हमारे रिश्ते ईरान से बिगड़ सकते हैं, तो किसी भी हाल में हमें सच सामने लाना होगा। बीरबल ने इस पर खूब विचार किया, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या को कैसे सुलझाए। और तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर खड़े सेवक पर पड़ी, जो सब्जी वाले के साथ भाव का तोल मोल कर रहा था, जिन्हें देख बीरबल को कुछ विचार आया। टमाटर वाकई काफी महंगे हो गए हैं। अगले दिन लाला लालची व्यापारी ने अपनी दुकान लगाई
और वहाँ एक ग्राहक आया और बोला, नमस्ते लाला जी, हूँ गुजरात से आऊँ छू। दरअसल मने कुछ ईरानी रेशम कालीन जोइए छे। आने किसी ने बताया कि आप ईरान से माल लाते हैं? हाँ हाँ महोदय, सही कहा आपने। अभी कल ही मैंने ईरान से कुछ रेशमी कालीन लाई है, अभी बताता हूँ। लाला ने अपने सेवक से वही माल लाने को कहा जो उसने जानी ईरानी से लूटे थे। उन कालीनों को देखकर ग्राहक बेहद खुश हो गया और बोला, सोरस लाला जी, ये तो एकदम मस्त माल छे, हाँ? ये सारी कालीन मुझे चाहिए, सही सही भाव लगा दो। वर्षा तो यह बहुत महंगी है, पर आप इतने दूर से आए हैं, इसलिए आपको ये सारी कालीन केवल 3,000 सोने की मोहरे के बदले दे दूंगा। सु 3,000 बहु महंगी छे। हूँ तने 500 सोने के मोहरे से ज्यादा एक फुट्टी कोड़ी भी ना दे सकू छे। परवड़ता है तो बोलो, वरना हूँ तो चाह लो। ये सुन लाला विचार करने लगा, शायद मुझे 500 में बेच देना चाहिए, इसमें उस ईरानी व्यापारी का घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, हमारे राज्य में मेहमान को पूजा जाता है, इसलिए आप इसे 500 में ले लो, चला लाओ पैसे। ये सुन वो ग्राहक बोला, रुपया तो कल कोठरी में मिलेंगे। क्या मतलब? और तभी उस ग्राहक ने अपनी दाढ़ी मूछ निकाली और वो निकला बीरबल। उसी वक्त वहाँ दो सैनिक भी आ पहुँचे। बीरबल आज? हाँ मैं, और मैं तुम्हें ईरानी व्यापारी से लूट और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अरे वाह, क्या सबूत है कि मैंने धोखा दिया है? इस माल को देखो, ईरानी ने बताया था कि इनकी कीमत कम से कम 3,000 सोने की मोहरे है, पर तुम इसे इतने सस्ते में इसलिए बेच रहे हो क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई निवेश नहीं है। अब अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना काल कोठरी जाकर तुम्हारा हिसाब किताब करता हूँ। ये सुन लाला व्यापारी का सर शर्म से झुक गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ईरानी व्यापारी को बाइज्जत बरी कर उसके सारे कालीन की कीमत चुकाई गई, ताकि वो हमारे देश से अच्छे अनुभव के साथ जाए। और हमने ये सीखा कि ईमानदारी से किया काम ही सफल होता है।